सर्च करें आवामी न्यूज़, मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाबरी मस्जिद के बदले कोई समझौता नहीं, मजबूती से लड़ेंगे मुकदमा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करके कहा है कि राम मंदिर तनाज़ा की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के बदले में कोई चीज़ नहीं ली जाएगी। इनके मुताबिक सालसी कमेटी से बातचीत में बोर्ड इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था। दरअसल मगरबी एशिया के एक अखबार गुल्फ न्यूज़ में खबर शाया हुई थी कि अयोध्या तनाज़ा के मुकदमा में मुस्लिम फरीक समझौता पर गौर कर रहा है। अब बोर्ड ने इस खबर को मुस्तर्द करते हुए वाज़ह कर दिया है कि वो मुकदमा लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह के समझौता की बात नहीं सोची जा रही है। सालसी कमेटी से बातचीत पर बोर्ड ने वाज़ा किया कि वो इसमें इसलिए शामिल हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। ख्याल रहे कि हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और सालसी कमेटी अगर किसी तरह से इस मसला को हल कराने की उम्मीद बना रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि सालसी कमेटी अगर इस मामला को हल करा दे तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा तो फिर वहाँ कुछ कितने बरसों तक समाज चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इसलिए हम सब मुस्बत सोच के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सालसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तो वो ज़रूर किसी फैसले की जानिब बढ़ेगी।